जैसलमेर का रुख कर लेते हैं, वहां पर जो प्रत्याशी है महंत प्रतापपुरी, उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी ने, सुनते हैं उनके क्या दावे। मतगणना का दिन आ चुका है और मतगणना में प्रदेश में सबसे हॉट सीट मानने जाने वाली परमाणु नगरी पोखरण का रिजल्ट है वो प्रदेश की सभी जनता को है, वो उसके रिजल्ट का इंतजार है। दो धर्मगुरुओं के बीच में लड़ाई है और महंत प्रतापपुरी लगातार जिस तरीके से जनता के बीच में रहे और लगातार है वो प्रयास कर रहे कि इस बार सिर पर जो सेहरा बंधे वो भाजपा का कमल खिले। हमारे साथ महंत प्रतापपुरी जी महाराज है, उनसे बात करते हैं किस तरीके से आज मतगणना का दिन है, किस तरीके से रात निकली और कैसा है दिल की धड़कने कैसी तेज हो चुकी है। देखिए, इस दिन के लिए मैं सबको मंगल कामना शुभकामना देता हूं कि इस घड़ी की मुझे ही प्रतीक्षा नहीं थी, पूरे देश को प्रतीक्षा थी, पूरे राजस्थान की जनता को और विशेष करके पोखरण की जनता को इस घड़ी की बहुत प्रतीक्षा थी कि 5 वर्षों को प्रतीक्षा कर रहे थे कि पिछली बार जो हमारी कमी रही थी इस बार हम कमल खिलाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से मतदान प्रतिशत में पोखरण ने सबसे सर्वाधिक मतदान किया पूरे राजस्थान में, इसी प्रकार से परिणाम आएगा तो वो सर्वाधिक परिणाम आएंगे क्योंकि जनता की भावना इस बार कमल खिलाने की है। मैं पुनः धन्यवाद और आभार भी व्यक्त करता हूं पोखरण की जनता का जिन्होंने इन विषम परिस्थितियों में भी राजस्थान में सर्वाधिक मतदान किया। जहां भौगोलिक विषम परिस्थितियां हैं, विधानसभा इतनी लंबी है कि कल्पना करिए कि आप पूर्णा 300 किलोमीटर लंबी विधानसभा, एक छोटा प्रदेश जितनी इसकी क्षेत्रफल है और सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियाँ विषम होते हुए भी मतदान किया है। और मैं आशा और विश्वास के साथ कहता हूं कि इस घड़ी की प्रतीक्षा पोखरण और पूरा देश कर रहा था, पोखरण पूरे देश को प्रसन्नता के पल देंगे, दीपावली मनाने का मौका देंगे। रिजल्ट भले चाहे कोई भी हो, कैसा उत्साह दिखाई दे रहा है कार्यकर्ताओं में और जीत को लेकर किस तरीके से तैयारियां हैं वो की जा रही है? बस प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो प्रतीक्षा की घड़ियां पल पल क्षणिक होती जा रही हैं और पूर्ण विश्वास है कार्यकर्ताओं के अंदर जो बैठा है वो उनका हृदय कमल है ना, वो हृदय कमल में कमल खिल चुका है तो बाहर भी कमल खिलेगा। मन के अंदर जो भाव होते हैं वो प्रकट हो ही जाते हैं। जनता जनार्दन है, जनता भगवान का स्वरूप है। जनता ने ठान लिया, जनता को विश्वास हो गया कि इस बार कमल खिलेगा तो ये प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त होती कमल खिलता दिखेगा और फटाके फूटते दिखेंगे। जीत का आंकड़ा क्या मान रहे हैं, कितने अंतराल में है वो आपने अपनी जीत मान रहे हैं? मेरी जीत नहीं है, जनता की जीत है और पोखरण की जीत है और यहाँ कमल खिलेगा। और जीत के आंकड़े मैं क्या बताऊं, जनता किसी से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि जीत बहुत अच्छी होगी और पोखरण तो एक प्रसिद्ध नगर है, वहाँ जो विस्फोट होते हैं बड़े होते हैं, विश्व स्तर पर चर्चा होती है। तो अभी जैसे मतदान का जो हुआ वो भी सर्वाधिक हुआ तो मतगणना में आंकड़े भी मैं मानता हूँ सर्वाधिक आंकड़े के साथ जीत होगी। अगर जीत का बिल्कुल परीक्षा परिणाम का दिन है और जिस तरीके से परिणाम चाहे कोई भी हो, लेकिन महंत प्रतापपुरी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर और उत्साही दिखाई दे रहे हैं। अब जीत का सेहरा कब किसके सिर पर बनता है ये आज शाम को ही पता लग पाएगा। सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर।